सपद जन्म पापराशि तृतीय संवत्सर नासी गोविंद संज्ञ होई वैकुंठ भुवन गुजाई हेमंते दीपदान फल कार्तिके सुण मही पाल जेवण जने ब्रहति होई कार्तिके तृण पारी सोई तांक वचने पुण्य पूजा अर्चना करी देव राजा मंडप उपरे कलश चिराल बांधे झिनवास चारिद्वारिंक पूजा विधि विप्रवजने करी सिद्धि पूजीव जगत दीप गंध चंदन धूप दीप शुक्ल पुष्प शिरे नेई बोलिब कृष्ण त्राही त्राही विविध उपहार द्रव्य मंत्र सुमरि भोग देव गोविंद नाम धरि नित्य उत्सव वाद्य गीत नृत्य एमंते बंचिब सर्वदी निशि प्रभाते स्नान करि तिलकांचन गोरु दान विप्रंगो करि निवेदन तांक पत्नी की तीन साढ़ी देई कहिब कर जोड़ी हे विप्रवर तुम्भे हरि मते संसार कर पारी एमंते कहिब वचन गुरुंकु देव रत्न दान तिल पायस दधिरसे अनल पूजिब संतोषे। दीपदान परे जेतेबेले कार्तिक व्रत को उद्यापन करिवे जो विप्र को डाकि थिबे तांको तीनोटी साड़ी प्रदान करिवे एवं विभिन्न रत्नादि की प्रदान करले उत्तम तेणु गोदान सुवर्णदान तिलदान ए सब करा जाय पारे या करिबा द्वारा पुण्य फल प्राप्त होइथाय। तिल कांचन गुरुदान विप्रंगो करी निवेदन तेणु से विप्रंगो उत्तम विप्रंगो डकाई तिल कांचन गोदान करिपारिबे। विप्रंगर डकाई तांको खाद्य पायस दधि ए सबु दबा द्वारा तांकर आत्मतृप्ति होइथाय सेमाने खुशी होई आशीर्वाद प्रदान करिथान्ति। एहिपरी भावरे व्रत को पालिबार विधान रहिछि। ए व्रतरे जो कार्तिक व्रत को समापन कराए किपरी भावरे व्रत को पालिबा तेणु ये सब विधान रहिछि। तिल पायस दधिरसे अनल पूजिब संतोषे व्रत दक्षिणा विप्रे देव मेलाणी मागे गृहे जीव जहा कार्तिके थिब छाड़ी जतन प्रकारे ता लोड़ी भियाई अनुक्रमे द्रव्य विप्र भोजने समर्पिब आरेक दिन आदिमासे कार्तिक व्रत अवशेषे प्रतिपादन निज गृहे बंधु कुटुंब घेनि स्नेहे पाक संपादि सड़रसे भोजन करिब संतोषे एमंते कार्तिक विधाने व्रत पाळन्ति जेऊ जने तांकर धर्म फल जाहा कहिबा सुण नरनाहा। ए कार्तिक मासरे जाहाकु परित्याग करिथिबे ताहाकु कार्तिक मासर पूर्णिमा परे ताकु जहाँ कार्तिक मास पूर्णिमा बासी दिन ताकु आपण ग्रहण करिपारंती जथा ता माने जो ए मासरे प्रायत लोक आमिष छाड़ दैथांती तेणु आमिष को से दिन छाड़ खाई दिन आमिष ग्रहण करिथांती किंतु ता नुहे आमको कहा जाएनी आमिष भक्षण करिया जो फल गुड़िक छाड़ा जथा झुड़ंग बाइगण कंटा फल ये सब जो परित्याग करिथिबा ताकु आमे ग्रहण करिपारिबा किंतु माछ मांस दि ग्रहण योग्य नुहे तेणु छाड़ा खाइर अर्थ नुहे जे आमे माछ मांस आदि करिकी भोजन करिबा छाड़ा खाइर अर्थ ए मासरे जो फल को परित्याग करिथिबा जो परिबा जो द्रव्य मान को परित्याग करिथिबा ताकु आमे मासर पूर्णिमा अंतरे तार प्रथम दिन मागर्शिर मासरे प्रतिपदा दिन आपण ग्रहण करिपारंती कि कौन ना से फल गुड़िक द्रव्य गुड़िक जेपर भाव में झुड़ंग हो बैगण हो टमाटो हो कारण ये मास सारा ये सब द्रव्य खाई नथिबे तेणु से द्रव्य को ग्रहण करिपारिबे। एमंते कार्तिक विधाने व्रत पाळंती जेऊ जनी तांकर धर्म फल जहा कहिबा सुण नर नाहा संसारे जेते धर्म मान
तुला पुरुष आदि दान गंगा जमुना सरस्वती मणिकर्णिका पुण्यवती नर्मदा प्रयाग गोदावरी सिंधु संगमी सुरासुरी प्रभासे प्राची बैतरिणी गोमती रेवा कृष्ण बेनी जी चंद्रभागा चित्रोत्पला जीव जनम विष्णुशिला ब्राह्मी जे मानस सरोवर दही विजय गंगाधर सुवर्ण रेखा मधुमती से हृदय सिद्धि बने स्थिति पापनाशिनी पुण्य तोया इंद्रदुम्न विष्णुमाया सरोज शिव गंगा नदी ऋषिकुल्यादि महानदी यादि पुण्य तीर्थ जल स्नान कले कते फल। ये सब जो नदी गुड़िक कहिले ये सब पूर्वर आमर थिला गंगा जमुना सरस्वती आदि पुण्य नदी तेणु एत बाट आम जेहेतु न जापे आम पाखे पुण्य नदी जथा महानदी चित्रोत्पला नदी गोमती नदी मणिकर्णिका ये सब स्नान कले भी उत्तम फल मना जाए। बैतरणी बैतरणी आप देखिथे बैतरणी नदी पुण्य भाग में माँ बीरजांकर अवस्थित तेणु ये सब नदी मानकर जल अति पवित्र होता है। ये चतुर्मास्यर अंतरे चतुर्मासी महादेव को श्रावण मास रे जल स्नान करा जाए पुण्य नदी मानकर जल आनी स्नान करा जाए थे। तेणु ए पवित्र मास रे से नदी जल रे स्नान करने द्वारा आम को उत्तम फल प्राप्ति होता है। से जहाँकि पुण्य पापनाशिनी पुण्य नदी भाव में वर्णित रही विभिन्न नदी गुड़िक रही यथा गंगा जमुना सरस्वती बेत्रवती आदि विभिन्न नदी ओडिशा रे सर्वश्रेष्ठ नदी भेतर आम को गण जिते मानने नदीर महाराजा होती महोदधि तीर्थराज जैकि समुद्र तेणु समुद्र रे आपण माने जल आनी सिंचन करी पारिबे स्नान करी पारिबे श्वेत गंगा मार्केंडेय इंद्रदम्न एवं विभिन्न जो पुष्करिणी रही पुण्य पुष्करिणी रे स्नान पूर्वक जदि व्रत को समापन करुछंते आपण को अशेष अशेष पुण्य फल प्राप्ति हेबार विधान रही। सरोज शिव गंगा नदी ऋषिकुल्यादि महानदी आदि पुण्य तीर्थ जल स्नान कले कते फल राजस्वादि जिते द्रव्य वेद विहित जिते व्रत जोग समाधि दान ध्यान प्रसाद आदि कीर्तिमान बणिवा बंचिवा वर्णाश्रमी रही तपोदग्ध जी देही ए सर्व ठूल ए सर्वधर्म ठूल करी कार्तिक व्रते नुहे सरी जावत पुण्य करी एक सहस्र गुण रे कार्तिक विष्णु अति प्रिय जेणु कार्तिक महापुण्य तेणु अंगे जे पाप विघ्न अच्छे कार्तिक संकल्प रे जंती केशरी आगह मनपते जेने पलांती गज ज्योति एमते कार्तिक महिमा वचन कि देवा उपमा कार्तिके छाड़ी जेते करी दश सागर फल सरी हविष्य सत गुण जान उद्यापन रे लक्ष्य गुण जाग जोग रे स्वर्ग भोग कार्तिके वैकुंठ रे जोग विधि संकल्पे व्रत कले अशेष मुक्ति पाई भले। जो वर्णाश्रम रही आम गृहस्थी धर्म पालन करुचे तेणु आमर ये सब पालन करने उचित विष्णुंकर जो व्रत विधान रही समस्त पाप को खंडन करिवार जो व्रत कार्तिक व्रत जिते मास अच्छी जिते व्रत अच्छी अति हरिंकर विष्णुंकर अति प्रिय व्रत होची ए कार्तिक व्रत आको करिवा द्वारा समस्त पाप खंडन होता है। जेपरि भाव राजा गला बेले तांको आगरे चालुथिबा हस्ती गज तांको रास्ता कढ़े कढ़े निए ठीक से भाव आमर समस्त पथ उन्मुक्त हो जाए भगवान पाखकु तांको निवेदन होबा द्वारा वैकुंठ प्राप्तिर समस्त रास्ता उन्मुक्त हो जाए। ए मासरे जेते जाग यज्ञ रही विष्णु जाग होची अत्यंत प्रिय विष्णु सहस्रनाम
विभिन्न जागयज्ञ माध्यम करा जाय थाए विधि अनुसार संकल्प करी ए व्रत को पालन करा जाय थाए जावत धर्मे नहीं नासे जुभति जने परवासे स्वधर्म अपण जायत जायतिर कार्तिक हिने जेउ नर किंचित जेते प्रतिपाल अन्य कर्म कुह धर्म बल कार्तिक पाली अन्य धर्म कले सफल सब कर्म यही प्रकार एकादशी आवर पाल न तुलसी इतनी महिमा समान विशेष कार्तिक प्रधान सुण राजन धर्म सार ए पद्म पुराण केसर उत्तरखंडे पर सिद्धि कार्तिक धर्म यथाविधि जे हा शुणे दिव्य ज्ञानी संशय दूर करी मने सही कार्तिक धर्म पाई सर्वदुरित क्षय जाई ब्राह्मण आदि चारि वर्ण स्त्री पुरुष जे बाजन बिना कार्तिके शुद्ध नुहे विष्णु जे सिमुखे बिना कार्तिके शुद्ध नुहे विष्णु सुमुखे छन्ति कही से प्रभु वाक्य उपदेश भणई महादेव दास से प्रभु वाक्य उपदेश भणई महादेव दास इति श्रीमद्भगवान् श्री पद्मपुराणे उत्तराखंडे कार्तिक महात्म पृथुनारद संवादे कार्तिक उद्यापन कथा श्री दिव्यार्पणमस्तु। कार्तिक व्रतर ये जो रही महात्म्य किपर भाव प्रभु को अर्पण करिवे ए जो धर्म रही धर्म बल केवल प्राप्ति हे कार्तिक व्रत को जदि सुचारू रूपे आम पालन करुचे ये हूँ पद्म पुराण कथा आपण माने ये अध्याय श्रवण कले कार्तिक व्रतरे केउ द्रव्य को परित्याग करिवे केउ द्रव्य आमर उत्तम रहिबो केउ पात्र रे आमे व्यंजन आदि वर्ण तयारी करी भक्षण कले आमको सुस्वाद लागिबो ए मासरे ए व्रत समय रे मिथ्या कहिबा अन्यर परनिंदा करिबा ए सब वर्जनीय केउ खाद्य को ग्रहण करिवे केउ खाद्य को ग्रहण न करिवे ताहार वर्णना अति उत्तम भाव रे पद्म पुराण रे उत्तराखंड रे ए कार्तिक महात्म रे आपण माने श्रवण कले